पर लोग बोल के। धन्यवाद सुबह सुबह हो गए लिए सबका। मस्त मॉर्निंग है, सैटरडे वीकेंड है। आजकल क्या वीकेंड, क्या संडे, क्या मंडे, सब छुट्टी है। तो भाई चलो, मेरी छुट्टी नहीं है तो हम लोग कैमरा ऑन करेंगे, बिना कैमरा वालों को निकाल देंगे, बहुत मजा आता है उसमें। बाय, ओके, लॉकर करा, आपका लोकर करा प्लीज। सुबह 8 बजे कैसा इसको नाश्ता मिलता है ना, मेरे को अपने समझ में नहीं आता। शिखा को कौन 8 बजे नाश्ता बनाता है, ऐसा कैसा मम्मी लोग है इधर, इतना सुबह सुबह। नसीब नसीब। Just one small announcement that the next 5 minutes, lot of you will be removed out of the room. Fine. बोलने का नहीं कि निकाल दिया। बच्चे कम है और ये मोहिनी पवार, पीसी फ्यूजन, रविंद्र कामले, रविंद्र कामले, मतलब ये लोग ही ज्यादा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंटीबॉडी सिखाया था, ब्लड ग्रुप सिखाए थे, आरएच फैक्टर सिखाया था, और डिजीज का स्टार्टिंग किया था मैंने आपके, ये डिजीज का स्टार्टिंग किया था, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, कंटेजियस नॉन कंटेजियस डिजीज मैंने सीख। Am I right or am I right? Yeah. Okay. आगे बढ़ेंगे। We are going to do diseases now. क्या करेंगे? दो दो diseases करेंगे। Actually एक काम करेंगे, एक एक disease करेंगे। After each disease, I will give 2 minutes to read it. Disease समझना बहुत सिंपल है। उसमें कोई साइंस नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा, बहुत फटाफट हो जाएगा। Fine. सिर्फ लाइफ साइकिल पे थोड़ा टाइम लगता है सिखाने के लिए। अगर लाइफ साइकिल अगर नहीं रहेगा, हम लोग करना क्या है कि डिजीज का नाम क्या है, होता कैसे है, फैलता कैसे है, होता किसके वजह से है, पॉइंट, प्रिवेंशन क्या है, क्यूर क्या है, सिम्टम्स क्या है, बात खत्म। फाइन, ये मेन चीज है। नेम ऑफ डिजीज, कॉज बाय, ट्रांसमिटेड बाय, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, बात खत्म। फाइन, इन कुछ कुछ डिजीज में उसमें ये भी है, लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो भी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी कुछ ये बहुत इजी है। सी, इंपॉर्टेंट इज नॉट टू अंडरस्टैंड दस डिजीजेस, टर्मिनोलॉजी। नाम आएंगे, अजीबो गरीब नाम आप दिलोगे, ये मेडिकल नाम है थोड़े से। फाइन, आपको मैं समझाऊंगा सिखाते सिखाते, फिर भी लोग क्या करते हैं, जब सिखा रहे तो पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर जब मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए, तब ये क्या है सर, ऐसा पूछेंगे। फाइन, तो हो सके तो जब मैं पढ़ूंगा तभी सुनना, और अगर नहीं भी सुन रहे हो तो बाद में मुझे पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। फाइनल स्टार्ट द सिंपलर डिजीज देन द मोर डिफिकल्ट वन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अमीबियासिस। अमीबियासिस, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है। फाइन, ये प्रोटोजोआ आपके बॉडी में घुसता है और आपको डिजीज देता है, जिसका नाम है अमीबियासिस। फाइन, इंडिया में नियरली 15% लोगों को एट ए टाइम ये रहता है। फाइन, आज अब आज भी दुनिया में, इंडिया में 15% लोगों को ये रहेगा। फाइन, से नाम हमेशा बड़े बड़े होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, अमीबियासिस एंड जियोर्डियासिस, ये बेसिकली जुलाब है, बेसिकली जुलाब, ज्यादा कुछ है नहीं, जुलाब है। फाइन, तो ये एक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोअन से होने वाला जुलाब है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम है उसका। फाइन, और ये अमीबा आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को तकलीफ देगा। व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक? आपका पेट और इंटेस्टाइन, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को तकलीफ देगा, खराब करेगा, पेट पेट में गड़बड़ गुड़ गुड़ गुड़। फाइन, सिम्टम क्या रहेंगे? सबसे पहले तो मतलब लूज मोशन हो जाएंगे, डायरिया, डिसेंट्री जिसको कहते हैं हम लोग। फाइन,
बार 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 आप जाओगे, फाइन, तो ये थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। दूसरा होगा फ्लैटुलेंस, बहुत पादोगे, बहुत, फाइन, तो फ्लैटुलेंस, पादा पादी, फाइन। फिर इतने बार जाओगे ना कि आपका जो एनस होता है, एनस जहां से बाहर निकलता है, ये उसमें थोड़ा सा खरोच हो सकती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड भी निकल सकता है आपके स्टूल में, स्टूल मतलब संडास में थोड़ा ब्लड निकल सकता है। पेट में गंदा दर्द हो सकता है, लोग एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं, बहुत गंदा दर्द हो सकता है, फाइन। नॉर्मली ब्लड नहीं निकलता, लेकिन बहुत ज्यादा जो सीवियर केस है उसमें ब्लड और म्यूकस, म्यूकस हम लोग झाग, थोड़ा झाग निकलेगा कभी कभी, म्यूकस निकलेगा कभी कभी, ब्लड निकल सकता है, फाइन। अगर बहुत ही ज्यादा लफड़े हो गए, फाइन, मतलब वो जो अमीबा है वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से बाहर निकल गया, तो ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो लीवर में जाएगा, और अगर लीवर को उसने खराब किया तो लीवर सूजेगा। कोई भी ऑर्गन जो सूजता है आपके बॉडी में उसको हम लोग कहते हैं मेगाली, मेगाली, फाइन। तो हिपैट मतलब लीवर, तो लीवर सूजेगा तो उसको कहेंगे हिपैटोमेगाली, हिपैटोमेगाली, फाइन। वो हो जाएगा धीरे धीरे, तो और लफड़े हो जाएंगे, तो लीवर के जो सेल्स है वो थोड़े थोड़े खराब हो जाएंगे, फाइन। उसमें भी छाले पड़ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अमीबिक लीवर एब्सेस, अमीबिक लीवर एब्सेस, फाइन। उसमें उसके वजह से बुखार आएगा, और राइट साइड में जहाँ पर लीवर है वहां पर दर्द होना